आगे बढ़ते हैं। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने राष्ट्रपति चुनाव से पहले एक इतिहास यहां पर रच दिया। उन्होंने राष्ट्रपति की उम्मीदवारी सुनिश्चित करने के लिए डेमोक्रेटिक प्रतिनिधियों से पर्याप्त वोट हासिल कर लिए हैं। अब वो चुनावों में डेमोक्रेटिक पार्टी की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बन गई हैं। उनके उम्मीदवार घोषित किए जाने पर डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी के अध्यक्ष जेमी हैरिसन ने कहा कि मुझे ये पुष्टि करते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि उपराष्ट्रपति हैरिस ने सभी सम्मेलन प्रतिनिधियों से बहुमत से अधिक वोट हासिल किए हैं। कमला हैरिस अमेरिका के इतिहास में किसी प्रमुख पार्टी के टिकट पर राष्ट्रपति पद के लिए पहली अश्वेत महिला उम्मीदवार होंगी। और उम्मीदवारी के लिए पर्याप्त वोट हासिल करने के बाद कमला हैरिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ट्वीट भी किया है और कहा है कि मुझे संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार बनने पर गर्व है। मैं अगले सप्ताह आधिकारिक तौर पर नामांकन स्वीकार करूंगी। ये अभियान लोगों को देश के प्रति प्रेम से प्रेरित होकर एकजुट होने और अपनी सर्वश्रेष्ठता के लिए लड़ने के बारे में है। और जो मौजूदा राष्ट्रपति है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन, उन्होंने कमला हैरिस के डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार चुने जाने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि मेरे द्वारा लिए गए सबसे अच्छे फैसलों में एक है कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति के तौर पर चुनना। अब जब वो हमारी पार्टी की उम्मीदवार होंगी, इससे मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है। अब जीत हासिल करें। इस पर विस्तार से जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी कादम्बनी शर्मा। कमला हैरिसी अब डेमोक्रेटिक पार्टी की राष्ट्रपति पद की रेस की उम्मीदवार होंगी। ये इसलिए तय हुआ है क्योंकि इस हफ्ते एक वर्चुअल वोटिंग हो रही है डेमोक्रेटिक पार्टी के डेलीगेट्स की। ये वोटिंग सोमवार तक चलेगी, लेकिन उसके पहले ही उनको, कमला हैरिस को, 2350 ऐसे डेलीगेट्स के समर्थन मिल गए हैं, जिसके कारण अब आधिकारिक रूप से ये तय हो चुका है कि वही डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार होंगी। अब इस पर डेमोक्रेटिक पार्टी का कन्वेंशन जो होना है शिकागो में 19 से 22 तारीख तक, उस इसमें उन मुहर लगेगी उनकी उम्मीदवारी पर। पहले ही वर्चुअल वोटिंग माना जा रहा था कि होगी और वही हुआ है। वर्चुअल वोटिंग इसलिए कराई जा रही थी ताकि ओहायो में, जहां पे बैलेट बंद होना था 7 अगस्त को, उसके पहले हो जाए। हालांकि ओहायो स्टेट ने इसे इस डेट को, डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया, सितंबर तक ले गए, लेकिन तब भी डेमोक्रेट लीडर्स ने यह तय किया कि 7 अगस्त तक तय कर लेना है कि उनका डेमोक्रेटिक पार्टी का उम्मीदवार यही है। और वर्चुअल वोटिंग में यही हुआ है। नंबर्स अब कमला हैरिस को मिल गए हैं, इससे भी ज्यादा समर्थन मिल सकता है, लेकिन ये रिक्वायर्ड नंबर था, इसकी जरूरत थी, वो उनको मिल चुका है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा है कि वो गौरवान्वित महसूस कर रही हैं और आगे जीत के लिए काम करना है। दूसरी तरफ जो बाइडेन, जो कि महज 12 दिन पहले इस रेस से हटे हैं, उन्होंने कहा है कि ये सबसे बेहतरीन काम है जो उन्होंने किया कमला हैरिस को वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर पिक करने को लेकर। इन दिनों में न सिर्फ जो बाइडेन रेस से हटे, बल्कि उन्होंने कमला हैरिस को समर्थन दिया, और एक के बाद एक हमने देखा कि कैसे जो प्रभावशाली डेमोक्रेटिक लीडर्स हैं, उन्होंने भी कमला हैरिस को समर्थन दिया, चाहे वो नैन्सी पेलोसी हो या फिर बराक ओबामा हो, तो इन लोगों ने समर्थन दिया। उसके बाद ये भी देखा गया कि जो फंडिंग रुकी हुई थी, जो बाइडेन के नाम से जो कुछ फंडिंग रोकी गई थी, कुछ लोगों ने रोकी थी, कंपनीज ने रोकी थी, उन्होंने फंडिंग करना शुरू किया। और पिछले महीने एक आंकड़े के मुताबिक कमला हैरिस को जो फंडिंग मिली है चुनाव लड़ने के लिए, वो डोनाल्ड ट्रंप के को जो मिली है फंडिंग पिछले महीने, उससे दोगुने से भी ज्यादा है। तो कमला हैरिस जो है अब पूरी तरह से इस रेस में है और डोनाल्ड ट्रंप के सामने वही खड़ी होंगी, वही सबसे मुफीद उम्मीदवार डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से हैं। और इसमें अब कोई शक नहीं रहा कि उन्होंने इतिहास बनाया है, न सिर्फ ब्लैक और साउथ एशियन मूल की पहली महिला वीपी होकर, बल्कि इस रेस में, राष्ट्रपति पद की रेस में भी ये सब कुछ होकर। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।